मजा मजा ले रहा है मजा यहाँ की बगी। कच्चा मकान है, मिट्टी का मकान, डबल मंजिल। अरे शर्मा क्यों रहे हो मैम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग शानदार होंगे और मजे में होंगे। तो गाइज आज मैं चल रहा हूँ गांव। क्यों जा रहा हूँ तो वहीं जाने भी पता लगेगा। चलो चलते हैं। ये अपना कैमरा फोटोग्राफी में काम आएगा। और मैं जब भी गांव जाता हूँ ना गाइज, तो वो मतलब है ना अजीब सा एक्साइटमेंट रहता है, मतलब अलग ही खुशी होती है यार, मजा आता है मुझे। और मेरा ड्रीम है कि मैं बड़ा बहुत अमीर होने के बाद में मैं वहीं सेटल हूँ। तो चलो चलते हैं, आपको ननिहाल की और गांव की सैर करा देते हैं। ये आ गई मेरे पापा की स्कूल। यहाँ मेरे पापा पढ़ाई करते थे, हालांकि अभी मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, वो एक बहुत ईमानदार शिक्षक थे। तो गाइज ये आ गया अपना गांव, और पहले अपन नानी को ले आते हैं फिर चलेंगे गांव। मेरा जो ननिहाल है यहाँ से 3 किलोमीटर आगे मेरे गांव से, और मेरा गांव मालपुरा से 13 किलोमीटर पड़ता है, यानी ननिहाल पड़ गया 16 किलोमीटर। तो नानी को ला के दादी के पास छोड़ेंगे। नानी को दादी के पास इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि नानी को ना दादी से मिलना है, और फिर वहां से जो मेरी आंटी है जो गांव रहती है उसको दिखाना है हॉस्पिटल में, मालपुरा हॉस्पिटल में दिखा के फिर शाम को मैं, निवा और प्रियंका और आंटी वापस गांव ही आएंगे। आज गांव ही रुकेंगे, बहुत मजा आने वाला है। ये आ गया संवारिया, मेरा गांव है प्रतापरा, मेरा ननिहाल है संवारिया। संवारिया आ गया, ये आ गया बस स्टैंड, और इस तरीके से कुछ नानी को ले लेते हैं अब। ये आ गया घर मामा का। नानी सोती जगह मन पिसा अरे पाचा पकड़। गाइस नानी ने पैसे दिए हैं 40 रुपए, मजा आ गया। थैंक यू नानी, थैंक यू। तो गाइस ये है नानी का प्यार। चलो नानी चलो। ये आ गया अपना गांव प्रतापपुरा। आज तो नानी तारी ब्याणु मल ली तू, हाँ कर लीजिए बात सारी। ये देखो ये जो सामने दिख रहा है ना, कच्चा मकान है, मिट्टी का मकान, डबल मंजिल। डबल मंजिल है इसकी इंजीनियरिंग, एक दिन दिखाऊंगा मैं आपको कैसे बनता है। ये अपन ने रोड बना रखी है अपने बाड़े में खुद के लिए। उतारू नानी। ये आ गई बाई की मम्मी जी। जीजी गड़ी की डोक दीजिए, जीजी डोक दीजिए। हाँ जी उतारियो राम जी महाराज। अरे पे हो खेलो लोटो हो के। चलो भाई ने दिखाया मुझे, ते बात करो जितना। चलो आंटी को दिखा लेते हैं, तो आंटी को हम भाई बोलते हैं। तो हम चलते हैं प्रियंका के घर पे। प्रियंका स्कूल से आ गई थी, अब नीवा मैं और प्रियंका के घर चल लेते हैं और इनको मिलवा लेता हूँ एक बार, फिर चलते हैं गाँव। तो गाइस अब चलते हैं मालपुरा वाले घर से प्रतापपुरा वाले घर पे। नेवा और प्रियंका ठीक है, राम राम के ओला सबने। बाय बाय टाटा। चल चलो, नानी और दादी इंतजार कर रही होगी अपना। तो गाइस जो नानी और दादी को जो पसंद है ना, सबसे ज़्यादा पसंद है वो है माजा। तो माजा हमने ले लिए, चले क्या डाल दिया, धनिया तो डाल दिया उन्होंने। पपीता ले रही हो क्या? कितना? 2-3 किलो ले लो, जितना है उतना। ले डॉग के आते हैं, आ जा डॉग दे। ये देखो भैंसे हैं, अपनी भैंसे हैं ना। हेलो करो भैंसों से। हेलो, आराम कर रही है अपनी भैंसे, आराम कर रही है। हेलो करो अपनी भैंसों से। ट्रैक्टर, अपने ट्रैक्टर, ट्रैक्टर चलाओगी क्या आप? ट्रैक्टर चलाओगी क्या आप? हाँ जुजार जी महाराज के डोक देते हैं, डोक दो। तो गाइस जब दादी को सरप्राइज देने वाले हैं माजा का। जी जी नानी तक दरे में ले रहा है जो माजा। मजा ले रहा है माजा यहाँ की बगी ले लियो मार बोतल से। जी जी कहन को लगे हो? बढ़िया बढ़िया। नानी निकालो
आमरस से आमरस। तो गाइस आंधी जैसा माहौल हो रहा है शानदार वाला, और मैं कर रहा हूँ फोटोग्राफी, और हवा बहुत तेज चल रही है और खाना भी बन रहा है साथ में, भूख भी लगी है तगड़ी वाली। ये प्रियंका मैम इधर खाना बना रही है। अरे शर्मा क्यों रहे हो मैम? तो हेलो तो करो सबसे। कल बनाएंगे अपन रील्स, है ना, अच्छी अच्छी वाली। तो गाइस यार खाना खा लेते हैं पहले, क्योंकि यहाँ गांव में खाना जल्दी ही खाया जाता है और मुझे भी भूख लग गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ का खाना इतना टेस्टी है ना, इतना टेस्टी है, बिना मसाले का खाना और देसी खाना इतना टेस्टी लगता है कि यार रियली में कभी आप आना, आपको खिलाऊंगा जरूर। काय कर रही है धोनी? अब बात होगी कतरी करी बात आज तो धोनी आज तो धोनी बियाना मजा लेगी बात का। आ रहा हूँ बैठ जा रहा सुजन आ जावली प्यारा मैं तू तो बाहर चल रही है आंधी। अगर आंधी नहीं चल रही होती तो गांव भी आपको विजिट करवाता, गांव में मिलते दो चार लोगों से चल के, लेकिन गांव में आंधी चल रही है, बारिश होने के चांसेस है। तो गाइस आज इतनी मस्त हवा चल रही है ना कि यार, हालांकि अंदर एसी है लेकिन मेरा मूड कर रहा है कि यार बाहर जो नेचर वाली हवा है उसमें सोऊं। जो नेचर वाली हवा है ना यार, इसमें सोने का आनंद रियली में अलग ही है यार, मजा आता है रियली। जो नींद आती है ना तगड़ी वाली, सुकून वाली नींद आती है। ये खाट पे मैं बिस्तर डाल के सो जाता हूँ, और इधर है जो माल की रखवाली भी हो जाएगी। काय कर रहे जी? जी बता कर रहे जी? जी अंधेरा मारे। अच्छा अच्छा आज तो नानी को गाइदन कतरी बता कर ले। अच्छा अच्छा मायने तो मजे ना रही कत्ती, गर्म हवा चल रही जाना। बाहर का जो मजा ना तगड़ा है भाई। ये कालू दादा और नीव खड़े हैं। आजा 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 आओ लोगे। कालू दादा को मैं आपसे पहली बार इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। ये मेरे चाचा हैं, हमारे यहाँ की खेती बाड़ी यही संभालते हैं, बहुत ही नाइस आदमी है। मैं यही सोऊंगा, आप भी यही सोओगी क्या? इस खाट पे सोओगी क्या आप भी? मैं यही सोऊंगा। आप छोटे हो ना तो आप अंदर ही सोना मोम के साथ में ना, जब बड़े हो जाओगे तब सोना फिर बाहर, है ना? भैंसे भैंसे सामने डा डा बढ़िया लाग जलेगी बढ़िया दी लाओ जा दादा गंजा दादा गंजा आड़े बैठ जा 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 खड़े बैठ लो अड्डे में आगे आगे बंद दे है? तो अब भैंसों और गायों को जो चादर है ना टीन है ना उनके नीचे बांध देते हैं, शाम को रात को बारिश वारिश आए तो क्या है कि ओले ओले गिरे तो इनको नुकसान नहीं हो। तो गाइस इस व्लॉग को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। आपका भाई आपके लिए हमेशा यूं ही मस्त मस्त वीडियो बनाता रहेगा।